Hi dear students, my name is Gaurav and you are watching my YouTube channel The Students Platform. So today in this video I am going to recite a poem with its Hindi explanation and with its question answers as well. So let's recite this poem with the Hindi meaning. The unit 10 and the name of the poem is Malu Bhalu. It is a very interesting poem. The poem name is Malu Bhalu. So चलिए पढ़ते हैं और enjoy करते हैं. ये standard 5 की है और ये NCERT Marigold book से ली गई है. High up in an icy layer lived a little polar bear. Snow white, snow bright was her mane. Malu Bhalu was her name. Icy layer. हाई अप, बहुत ऊंची पहाड़ पे, बहुत ऊंचे लेयर पे, परत पे, बर्फीले परत पे एक पोलर बियर रहता था. स्नो वाइट स्नो ब्राइट वाज हर मेन. और स्नो बर्फ की तरह ही वो उजला था और बर्फ की तरह ही चमकीला था. क्या था? वाज हर मेन, यानी कि मेन बोलते हैं गर्दन के जो बाल थे, यानी कि इसके पूरे जो बाल हैं वो कौन से कलर के थे? एकदम बर्फीला उजले कलर की थे. और नाम था उनका मालू भालू. वॉज हर नेम, उनका नाम था मालू एंड भालू. वेरी सून आवर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू. फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल. बहुत जल्दी जो मालू भालू थे हमारे, उन्होंने अपने पेरेंट्स का नकल करना सीख गया. ठीक है, जो उनके पेरेंट्स करते थे वैसा ही मालू भालू भी करते थे. मछलियाँ पकड़ना, बड़े छोटे मछलियों को पकड़ना, और इस तरह से मालू जो था वो बहुत ही क्लेवर लड़की थी. मालू बहुत ही चतुर बच्ची थी. यू कैन से हेयर चतुर बच्ची थी. मालू सेड टू हर मदर वन डे माँ आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले. मालू एक दिन अपने माँ को कह दिए कि माँ मैं घूमने मैं खेलने जा रहा हूँ, दूर कहीं खेलने जा रहा हूँ. आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स डैट लाई देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई. मालू कहती है कि माँ मैं कहीं दूर खेलने जा रहा हूँ और मैं बाहर की चीज़ों को देखने जा रहा हूँ कि वो ब्लू नीले स्काई के चार ओर क्या क्या रहते हैं, क्या क्या चीज़ होते हैं. ए लिटिल पेशेंस चाइल्ड सेड मॉम इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स समर पेशेंस व्हाट अ टेस्ट. तो उनकी मम्मी कहती है कि मेरे बच्ची थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा सब्र करो. अगले गर्मी के समय में जब अगली गर्मी आएगी तब हम लोग जो है जानेंगे कि ये कैसा होता है, बाहर की चीज़ों का आनंद उठाएंगे. मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट. इतना आसानी से वो आराम करने वाला नहीं था. मालू जो थी वो इतनी आराम से नहीं रहती थी. वो इतनी आराम से नहीं सो सकती थी. First things first, Malu's mom clasped Malu tight within her arms. Then she said, her voice was firm, "Now, my dear, you'll have to swim." पहले क्या करती थी उनकी माँ? मालूज को चुप करने के लिए पहले तो मालूज को चुप कराती थी, ठीक है, और फिर उसको अपने बाहों में जोर से जकड़ करके, ठीक है, अपने बाजुओं में उसको जकड़ के रखती थी. और तब उसकी माँ कहती थी वो करे वॉइस में, नाउ माय डियर यू विल हैव टू स्विम, तुम्हें जो है तैरना है. बट माँ सेड मालू, व्हाट डू आई नो, हाउ विल आई हैव नेवर स्विम बिफोर. तो वो मालू कहती है कि माँ लेकिन मुझे कुछ आता नहीं है, हम जानते नहीं हैं, हाउ विल आई, मैं कैसे तैर पाऊंगी. आई हैव नेवर स्विम बिफोर, मैंने तो पहले कभी तैरा भी नहीं है. डोंट वरी डियर सेड मालूज मदर, डू एज आई डू डैट्स ऑल सी एडवाइज हर. तो मालू की माँ कहती है कि मेरी बच्ची मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ही तुम करो. ये मालू की माँ उसे सलाह देती है मालू को. सी हैड नो चॉइस नो अदर वे मालू हैड टू स्विम डैट डे. उसके पास कोई चॉइस नहीं रहता है, ठीक है, मालू के पास कोई भी चॉइस नहीं रहता है और ना तो कोई रास्ता बचता है. मालू को किसी तरह उस दिन तैरना पड़ता है. डैट सी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड
into the water splashed to land. Tight she gripped her mother's hand into the water splashed land. पहले क्या करती है कि वो अपनी माँ के हाथ को जोर से पकड़ती है और फिर इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड और पानी में जाकर छलांग मारना शुरू कर दी है. स्प्लैश मतलब छलांग करना शुरू कर देती है. ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर डाउट एंड फियर सी लेफ्ट बिहाइंड हर. माँ भी उसकी बहादुर होती है और उनकी बेटी भी बहुत बहादुर होती है और जितने भी शंका है जितने भी डर है वो अपने पीछे छोड़ देते हैं. मालू स्वाम विथ ऑल हर माइट इट डिडेंट मैटर रॉन्ग और राइट. मालू जो है अपने पूरे जोर ताकत से जो तैरती है और क्या सही है क्या गलत है ये सब भूल जाती है. बट स्विमिंग केम सो नेचुरली हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी. उसको जो है लेकिन स्विमिंग केम सो नेचुरली इतना नेचुरली जो है इतनी प्राकृतिक रूप से उसको स्विमिंग आ गया मालू को. हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी. इसकी माँ जानती थी कि ये आसानी से सीख जाएगी. फियरलेस वॉज मालू दिस सी न्यू नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू. मालू की माँ जानती थी कि मालू जो है वो सिर्फ निडर ही नहीं है बल्कि वो बहुत स्पेशल है कुछ विशेष भी है बहादुर भी है और विशेष भी है. तो ये था आज का पोयम. कुछ वर्ड्स हैं लेयर विल्ड एनिमल्स लाइंग प्लेस. लेयर का मतलब होता है जहाँ पे जंगली जानवर होते हैं जहाँ उनके रहने का जगह होता है. मेन लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ सम एनिमल्स. कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके गर्दन पे लॉन्ग हेयर्स होते हैं लंबे लंबे बाल होते हैं. विम सडन फैंसी आइडिया. कुछ अचानक सा कोई आइडिया आ जाता है तो उसे विम कहते हैं. क्लैस मतलब इन सर्कल होल्ड क्लोजली है ना समीप से पकड़ना जकड़ के रखना. माइट ग्रेट स्ट्रेंथ मतलब शक्ति. चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर की ओर भी देख लेते हैं बच्चों. वेयर डिड द पोलर बियर लिव विथ हर फैमिली. पोलर बियर अपने बच्चों के साथ कहाँ रहती थी. पोलर बियर वॉज लिविंग पोलर बियर लिव्ड विथ हर फैमिली अप हाई अप इन द आइसी लेयर. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स. मालू लर्न फ्रॉम हर पेरेंट्स हाउ टू कैच फिशेज बिग एंड स्मॉल फिशेज how to swim and she learned everything as her mother was doing. Where did Malu want to travel? Malu want to travel outside and she wanted to go to play far away to see what's beyond the sky. What was it that Malu's parents wanted her to learn? Malu's parents wanted her to learn how to swim. Was Malu scared to swim? Did she learn it easily? Yes, in first time Malu was saying that she did not know how to swim. But when her mother forced her to swim, she tried it and she learned it very easily. Read the last two stanzas of the poem. Who does she stand for in both? So here the last two stanzas are, let me see. Here, mother hand and here is the C is used. Fearless was Malu and this C knew. Not just brave but special to hear the C has been used for Malu's mother. And the next one is see the picture shown below and talk about it. Here C is a polar bear and it is her baby and both are trying to learn. This baby is trying to learn how to swim. Her mother is giving her training. So dear students, these are the question answers and you'll have to do this all question answer by yourself. If you'll get any kind of problem you can contact me. So in this video, aaj ke is video mein bas itna hi hai. Agle video mein fir main ढेर सारी जानकारी लेकर आपके पास आऊँगा और जरूरत पड़ी तो आपके लिए फिर से भी वीडियो बनवाऊँगा. तो आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.